बेलाकोबा रेंज के वन कर्मियों ने विशेष अभियान चलाकर रॉयल बंगाल टाइगर की खाल के साथ दो अंतर्राष्ट्रीय पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर भूटान के नागरिक बताए जा रहे हैं। बेलाकोबा के रेंजर संजय दत्त ने बताया कि रॉयल बंगाल टाइगर की खाल की तस्करी की गुप्त सूचना मिलने के बाद विशेष अभियान चलाया गया था। उन्होंने बताया कि तस्कर से बरामद रॉयल बंगाल टाइगर की खाल की लंबाई करीब 14 फीट है। उन्होंने बताया कि तस्करों के पास से रॉयल बंगाल टाइगर की खाल के साथ 100 से अधिक की संख्या में रॉयल बंगाल टाइगर की हड्डी व शरीर के अन्य अंग बरामद किए गए हैं। प्राथमिक जांच से पता चला है कि तस्कर पिछले एक महीनों से रॉयल बंगाल टाइगर की खाल की तस्करी के प्रयास में थे। यह सभी असम से आ रहे थे, उनके साथ 3 महिलाएं भी है, सभी भूटान के रहने वाले हैं। असम से वह लोग फुलसिलिंग पहुंचे, वहां से कल वह लोग गाड़ी में सवार होकर रवाना हुए। हासीमाड़ा के एक चौराहे पर वह सभी रुके थे, वहां से वह लोग काठमांडू जाने वाले थे। वन अधिकारी ने बताया कि काठमांडू में कुमार राय नामक एक व्यक्ति को रॉयल बंगाल टाइगर की खाल को वह लोग 32 लाख रुपए में बेचने वाले थे। गिरफ्तार व्यक्ति में एक का नाम लुम्बा बताया जा रहा है, वह भूटान सेना का कर्मी रह चुका है। उन्होंने बताया कि रॉयल बंगाल टाइगर की खाल को भूटान में मारे जाने की बात सामने आ रही है। सीजर के बारे में बताइए, कहां से हुआ, कैसे हुआ, कैसे किया? हम लोग के पास गोपन सूत्र में खबर था जे कुछ वाइल्ड लाइफ आर्टिकल्स ट्रांसपोर्टिंग होगा। तो नॉर्थ बंगाल का जो अधिकारी है CCF नॉर्दर्न सर्किल जे बी क्षेत्रीय ऑनरेबल, उनका निर्देश में हम लोग गया था हासीमाड़ा में, और हासीमाड़ा से हम लोग 2 आदमी हैं, उसको भूटानीज सिटीजन, और 2 आदमी को विथ टाइगर स्किन अप्रोक्सीमेट 14 फीट उसको लेके हम लोग अरेस्ट किया। क्या क्या मिला है लोगों पास? हम लोग एक टाइगर स्किन मिला हम लोग का पास, और बोन्स मिला 110 पीस एवं विथ स्कल। सर, ये लोग कहाँ से कहाँ तक ये भेजने की बात कर रहे हैं? एक्चुअल हम लोग का सूत्र का आधार से हम लोग को जो पता चला है, ये पूरा एक मास से टारगेट कर रहा था इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इलीगल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये लोग आसाम से गैलेफू में लेके आया था दुर्गा पूजा का पहले, तो हम लोग खबर पहले मिल गया था जे ये लोग ऐसा करके लेके जाने वाला है। तो 2 दिन पहले ये लोग फुलसिलिंग में आया, इसका साथ 3 लेडी क्रिमिनल भी है जिसका नाम हम लोग का मिला है। ये लोग भूटान में ही रहता है, ये लोग फुलसिलिंग में घाटी घराता है। फुलसिलिंग से ये लोग काल एक गाड़ी लेके आया था जो भूटान जो ये हासीमाड़ा चौपती है, उस चौपती में ये लोग स्टे कर रहा था 2 ये से, और ये चौपती से ये लोग काठमांडू जाने वाला था। काठमांडू में कोई कुमार राय बोल के एक है, वहां पर ये लोग को सब बात करके मेरे को जो आया इसको 32 लाख में सेल करने वाला था। तो हम लोग वहां पर गया, 2 आदमी को हम लोग पकड़ा, एक योंगमा है जो भूटान का एक्स आर्मी मैन है उसको भी पकड़ा, और एक है ये लोग भूटान से भी 2 दिन लगता है इसका जो शमसी से भी 2 दिन लगता है इसका जो घर है। तो ये लोग इंटरनेशनल पोचर है और इंटरनेशनल स्मगलर है, क्योंकि ये जो रॉयल बंगाल टाइगर स्किन है ये फुल मैच्योर्ड है, और ये मेल है, और इसका 2 बुलेट इंजरी है, और इसका स्कल्प भी है, क्योंकि इसका स्कल्प और बोन्स ये बाहर में जाता है, थाईलैंड में जाता है, चीन में जाता है, तो ये पूरा लेके ये जा रहा था। नाइस हाउस कुमार, सो नाइस, थैंक यू मैम। ये रसगुल्ले इतना मत खा, नहीं तो मेरे जैसा फुटबॉल बन जाएगा। जिन दागों को आप नजरअंदाज करते हैं, दूसरों को सबसे पहले वही नजर आते हैं, इसलिए बर्जर इजी क्लीन पेंट विद क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर, नो दाग नो धब्बा, ओनली ब्यूटीफुल वॉल्स, बर्जर इजी क्लीन पेंट। हिमालयन ऑप्टिक्स, आई केयर एंड कॉन्टेक्ट लेंस क्लिनिक, कंप्यूटर आई टेस्टिंग, हर तरीके की पावर ग्लासेस, ब्रांडेड चश्मा और हर तरीके की स्टाइलिश सनग्लासेस उपलब्ध है। तो आज ही आइए हिमालयन ऑप्टिक्स, हनुमान मंदिर रोड, जयगांव। कॉन्टेक्ट नंबर 03566265101।
किचन गैलरी, एक्सक्लूसिव शोरूम फॉर मॉड्यूलर किचन, एक्वेरियम, फिश एंड पेट्स, लास्ट कॉर्नर MG रोड जयगांव।